देखो बेटा, इस सवाल में कहा गया है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ओरिजेंटल। ये आपकी ओरिजेंटल एक्सिस हो गई है, जिसको आप एक्स भी मानते हैं, और ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है, जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंक दिया, तो प्रोजेक्टाइल क्या बनाएगा? पैराबोलिक ही पाथ बनाएगा। आपने कहा, हमने सर इनिशियल वेलोसिटी यू से 45 डिग्री पे हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका। बताना क्या है आपको? एलिवेशन एंगल और ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो बेटा, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ मिलेगा? जहां पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, यानी ऊपर जाना खत्म हो जाएगा, तो वही हाईएस्ट पॉइंट होगा। इसका आपको एंगल चाहिए, कहां से चाहिए? एज सीन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? ये है, यहां से आपने फेंका है, तो आप जब इस पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट को देखेंगे, एम आई राइट, ये एंगल आपको चाहिए कितना होगा? आपने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी होगी? एच होगी, एम आई राइट बेटा। और आप जानते हैं कि ये पूरी रेंज होती है आर। अगर इसको हम थोड़ा सर्कुलर बना ले, अप्रोक्सीमेट कर लें, तो ये आर वाई टू के आसपास हो जाएगी, आधी हो जाएगी, एम आई राइट, अगर ये एक सर्कुलर फॉर्म में बना लें। तो आपको एंगल निकालना आसान हो गया, यानी आप कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका यहां से यहां तक का, यानी आर बाई टू। इस टू को आप ऊपर ले जाइए, तो आप कह सकते हैं टू एच अपॉन आर के। अगर हम एच निकाल लें, आर निकाल लें, तो थीटा को निकाल सकते हैं, काम बन गया। एच निकालना आपके लिए बहुत आसान है। आपने कहा एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 45 डिग्री अपॉन 2g, एम राइट, काम बन गया आपका। साइन स्क्वायर 45 √2, जिसका स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 पहले से था। आप कह सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन 4g। जहां तक बेटा रेंज की सवाल है, आप आ कह सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, यानी 45 और 2 90, 2 टाइम्स, यानी ये यू स्क्वायर अपॉन जी के। अब इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, एच यहां से निकाल रख दीजिए, आर यहां से रख दीजिए, तो आपने कहा 2 u² अपॉन 4g, एच की वैल्यू रखी अपॉन इसकी वैल्यू रखी u² अपॉन जी, तो पहले जी जी कट गया, यू यू कट गया, बचा 2/4, यानी 1/2। ये आप कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, यानी कि आप कह सकते हैं कि थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन।